जी हां दोस्तों, आईपीएल 2022 के बाद टीम इंडिया जून के आखिरी हफ्ते में आयरलैंड का दौरा करेगी। आप सभी को बता दें कि किस तरीके से दोनों टीमों के बीच दो टी20 मुकाबले खेले जाने हैं। पहला मैच 26 जून और दूसरा मैच 28 जून को खेला जाएगा। ये दोनों ही मुकाबले मलाहाइड में खेले जाएंगे। क्रिकेट आयरलैंड ने सोशल मीडिया पर इंडिया आयरलैंड टी20 सीरीज का शेड्यूल जारी किया है। आपको बता दें, भारत के साथ ही न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान की टीमें भी इस गर्मी में आयरलैंड का दौरा करने के लिए जाएंगी। आयरलैंड की टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी सीमित ओवर्स की सीरीज खेलेगी। देखा जाए दोस्तों, तो इन दिनों क्रिकेट प्रेमियों के लिए किसी त्यौहार से कम समय नहीं चल रहा। पहले वेस्ट इंडीज की सीरीज, उससे पहले साउथ अफ्रीका की सीरीज, उसके बाद श्रीलंका की सीरीज, उसके बाद आईपीएल, फिर उसके बाद श्रीलंका के टेस्ट। आप कंटिन्यू दोस्तों क्रिकेट का रोमांच भारतीय फैंस से जुड़ा देख ही रहे हैं। लेकिन आपको ये याद दिला दें कि टीम इंडिया ने साल 2018 में आयरलैंड का दौरा किया था, यानी 4 साल बाद आयरलैंड का दौरा करेगी। इस दौरे में भी भारत ने आयरलैंड के खिलाफ 2 मैच खेले थे। दोनों ही मैचों में भारतीय टीम विजयी रही थी। इससे पहले साल 2007 में भारतीय टीम ने पहली बार आयरलैंड का दौरा किया था। दोनों टीमों के बीच एकमात्र टी20 मैच खेला गया था, जिसे भारतीय टीम ने 9 विकेट से जीता था। भारत और आयरलैंड के बीच 3 वनडे मैच भी खेले जा चुके हैं। इन तीनों मैचों में टीम इंडिया को एक तरफा जीत मिली। साथ ही साथ ये भी बता दें कि आईपीएल 2022 के बाद और आयरलैंड दौरे से ठीक पहले टीम इंडिया साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज भी खेलेगी। ये सीरीज भारत में ही खेली जाएगी। इस सीरीज में सभी मुकाबले 9 जून से 15 जून के बीच खेले जाने हैं। और फिर आयरलैंड दौरे के बाद टीम इंडिया को इंग्लैंड के खिलाफ भी सीमित ओवर्स की सीरीज भी खेलनी है। ऐसे में इस बिजी शेड्यूल में संभव है कि आयरलैंड दौरे के लिए भारत युवा टीम यानी कि टीम बी को भेजती नजर आए। किसी और की कप्तानी में रोहित शर्मा शायद वहां पर रेस्ट पर नजर आए। तो ये एक चीज इंटरेस्टिंग रहने वाली है भारतीय टीम के ही नजरिए से। ज्यादा जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।